हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स ला चुका हूँ वीवो u20 के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जो फ़ोन का फेस अनलॉक होता है, आप जब अपने फ़ोन को जैसे ही ऑन करते हो तो वहाँ पर आपको एक इमोजी देखने को मिलता है जो कि फेस का रहता है, जो कि हमें अट्रैक्ट करता है कि भाई आप अपना फेस दिखाओ तो ये आपका जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाएगा। तो इन सारी इमोजीज़ को आप किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कैसे उसे चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोन को जब चार्जिंग में डालोगे तो आपको एक वहाँ पे देखने को मिलता है एक अट्रैक्टिव जो चार्जिंग का लोगो आपको देखने को मिलता है, उसे आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो एंड उसे कैसे आप चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास वीवो का कोई भी न्यू ब्रांड स्मार्टफोन है, फिलहाल मेरे पास है वीवो का u20, तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे अपने फ़ोन को यहाँ पे ऑन ऑफ करके ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको एक जो एरो यहाँ पे जो इमोजी देखने को मिलता है फेस का, ये आप जैसे ही अपना फेस दिखाते हो तो ये तुरंत आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो ये जो इमोजीज आपको देखने को मिलता है आप इसे कैसे चेंज कर पाओगे एंड जैसे ही आप होते हैं तो ये जैसे ही एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में ड्रॉप होते हैं, मैं एक बार आपसे आपको चेक कराता हूँ। जैसे ही मेरा फ़ोन ओपन होता है तो ये एप्लीकेशन जैसे ही अभी मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ ऊपर से ही एप्लीकेशन ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप इसे भी किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड किस तरीके से इसमें अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चार्जिंग एनिमेशन को किस तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे, किस तरीके से आप उसे चेंज कर पाओगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है एंड जैसे ही आप अपने फ़ोन का सेटिंग को ऑन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो है अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। यहां से आप जैसे अपने फ़ोन को ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो भी स्क्रीन पर एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन पे ड्रॉप होंगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप से आप कर सकते हैं। आपका फ़ोन जैसे ही ऑन होगा तो सारे एप्लीकेशन इस तरीके से आएंगे और आप इसे आउट वाला भी लगा सकते हैं, फ्लाई आउट और फ्लाई इन, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप इसको भी रख सकते हैं तो इसमें से आपको जो भी पसंद आए। फिलहाल मेरे फ़ोन में ये वाला अप्लाई है जिसे मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ से इसे ले लेता हूँ मैं बैक और अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन हुआ, जैसे ही देख सकते हो ऊपर से सारे एप्लीकेशन ड्रॉप हो रहे हैं। अभी मैं इसे चेंज करने वाला हूँ तो यहाँ पे फ्लाई इन भी कर सकते हैं। तो हम इसे अप्लाई करते हैं एंड वन क्लिक में अप्लाई हो जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। वन क्लिक में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो गया। चलिए चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे एप्लीकेशन जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं स्क्रीन पर एंड यहाँ पे फ्लाई आउट का भी मिल जाता है जहाँ से अंदर से सारे एप्लीकेशन ड्रॉप होंगे। तो चलिए इसे भी एक बार इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई पर आप क्लिक करना है एंड वन क्लिक में अप्लाई तो हो जाएगा। इसे भी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ से मैं इसे बंद करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फ्लाई आउट भी देखने को मिल जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं अगले फीचर की तरफ। आप इस तरीके से इनमें से कोई सभी यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप इसे नन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, जिस तरीके से जब आप फ़ोन को लेते हैं तो उस तरीके से हो जाएगा। एंड कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इनमें से कोई सभी तीनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगला मिलता है आपको फेसियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन का। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप जैसे अपना फ़ोन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फेस वाला दिखता है इमोजी, आप इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हो मैं बता देता हूँ। आपके फ़ोन में सबसे पहले ये वाला अप्लाई है, इसकी वजह से अप्लाई बटन जो है वो हमारा डिसेबल है। यहाँ पर आपको मिलता है आप जैसे इस पर
क्लिक करते हो उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी मस्त आपको देखने को मिलता है एनिमेशन। चलिए हम इसे एक बार अप्लाई करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पर इसे। देखिए अप्लाइड हो चुका है, वन क्लिक में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं बैक और आपको दिखा देते हैं। अभी मैं अपने फ़ोन को ऑफ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा आ गया है फेस वाला वो चेंज हो गया है इमोजी, एंड इसे और भी इसमें कई तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, आप इसे भी लगा सकते हो, काफ़ी मस्त दिखता है। एंड यहाँ पे आपको ये वाला भी मिल जाता है, तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं एंड आपके फ़ोन का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, तो काफ़ी मस्त आपको देखने को मिलेगा। आप इससे भी अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ एक बार और आपको इसे मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ जैसे ही ऑन करता हूँ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस तरीके से इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन का। चार्जिंग एनिमेशन पर आप जैसे क्लिक करोगे अपने फ़ोन को, आप जैसे ही चार्ज में डालते हो तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है। एंड आप इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपको तीन मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज में ले सकते हो। यहाँ ब्राइट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आप जैसे अपने फ़ोन को चार्जिंग में डालते हो तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, काफ़ी मस्त है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, एंड वन टाइम आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हो सेम प्रोसेस है, आप अपने फ़ोन को लगाइए चार्ज में, आपको ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए दूसरा आपको यहाँ पे ये वाला देखने को मिलता है, अपने फ़ोन को आप जैसे ही चार्ज में डालोगे तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड और यहाँ पे आपको थर्ड वाला मिल जाता है, आप जैसे ही अपने फ़ोन को चार्ज में डालोगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। फाइनली जो मुझे पसंद है वो है ब्राइट वाला, ब्राइट वाले को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है क्योंकि इसके कलर जो हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मैं इसे अप्लाई कर रखा हूँ पहले से ही और मैं इसे यूज करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको तीन फीचर्स के बारे में बता दिया आपको, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड ऐसे ही अगर आप धमाकेदार वीडियोस पाना चाहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।